निकालता हूँ और आप इसे नीचे लेके आना। ये लिए। गिन्नी, ये देखो। आज अभिनव भैया हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं। उनका वेलकम ये नई ड्रेस पहन के करना। इनमें से कौन सा पहनोगी? ये वाली देखो, ये वाली तो कितनी अच्छी लग रही है। ये वाली तो उससे भी ज्यादा अच्छी है ना? ये वाली देखो, पिंक कलर तो तुम्हारा फेवरेट होगा ना? नाइस ना? ये देखो व्हाइट अच्छी है ना? क्या गिन्नी, तुम्हें इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई? ये वाली देखो, ये वाली तो कितनी कूल लग रही है, नहीं? मैं एक्सचेंज करके लाऊं? मैं ये ड्रेसेस तुम्हारे लिए यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। इनमें से जो पसंद आए वो पहन लेना, ओके? ये ड्रेस कराने के बाद मैं क्या दौड़ने लगूंगा? सर, आप प्लीज मत बोलिए, थोड़ी देर के लिए चुप रहिए। अगर आप यूं ही बोलेंगे तो आपकी रिपोर्ट सही नहीं आएगी और कुछ दिनों के लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा। प्लीज सर, कोऑपरेट कीजिए। बस एक मिनट में सब कुछ हो जाएगा। हम तुम्हें लेने आए हैं, घर पे सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हम किसका इंतजार कर रहे? चलो अभिनव को लेकर निकलते हैं यहां से। नहीं ईजा, अभी डॉक्टर शेट्टी के साथ आने वाली है। वो डॉक्टर शेट्टी अभिनव का चेकअप करेंगे। अभिनव, ये डॉक्टर शेट्टी है, ये आपका चेकअप करेंगे, फिर हम आपको लेकर घर चलेंगे, ठीक है? नर्स, ECG का रिपोर्ट कहाँ है? लीजिए। मिसेस जायसवाल, ECG रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। आप लोग सब बाहर जाएंगे, मुझे अभिनव को एग्जामिन करना है।
जी। मिसेज जायसवाल, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। पैरालिसिस तो अभी भी है, पर उसके ट्रीटमेंट के लिए अभिनव को कल मेरे पास लेके आइए। जो भी जरूरी टेस्ट्स होंगे मैं वो करवा दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। यू आर वेलकम मिसेज जायसवाल। नहीं रानी बिटिया, मैं अपने बेटे को खुद लेकर जाऊंगी। मैंने कहा था ना, अभिनव को कुछ नहीं होगा। वो बच्चे तो कुछ भी बोलती है। इस तरह से बात करके उसे कुछ हासिल नहीं होगा। ईजा थोड़ा सा रुकिए, मैं पेमेंट्स क्लियर करके आता हूँ, उसके बाद हम सब साथ में चलेंगे। हाँ, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन और जरूरी कागज हैं, वो भी लेने हैं, बस 5 मिनट लगेंगे। नहीं रानी, कबीर आप रानी बिटिया को लेकर घर आ जाइए, लेकिन अब मैं अभिनव को यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें घर लेकर जाती हूँ, आप आ जाइए, ठीक है? चलिए। ये ड्राइवर फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्यों खामोखा परेशान हो रहे हैं आप? जाइए ना और देखा ये ड्राइवर कहाँ पर। नहीं अभिनव, आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। कमाल है, मुझसे ज्यादा मेरे अपाहिज होने का एहसास आप लोगों को, और आप लोग चूकते नहीं, हर वक्त मुझे इस बात का एहसास दिला। ऐसी बात नहीं है अभिनव, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक है, आप वहाँ रास्ते के किनारे इंतजार कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। कहाँ टहलने गए थे तुम? हॉस्पिटल में आए हो या शादी में आए हो?
चलो जल्दी से गाड़ी निकालो। लगता है ईजा अभिनव को लेके चली गई होंगी। हाँ अब तक तो चली ही गई होंगी। उसे पानी से दूर रखो।